आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ मुंबई से बेंगलुरु की VRL की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 स्लीपर बस। राम नाम भी अच्छी तरीके से छाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आज है 22 जनवरी। तो जी फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं लोनावला हिल स्टेशन। महाराष्ट्र है और वड़ा पाव आपने नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया। और आगे नजारे ना और भी ज्यादा शानदार होने वाले हैं। यूजुअली नहीं तो क्या होता है ना कि ये बस के जो ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी खुद ले ली। वाओ मैन वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। तो स्वागत है आप सभी का बेंगलोर में। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत ऑफ रियल एडवेंचर। गुड आफ्टरनून फ्रॉम बोरीवली वेस्ट मुंबई। सो एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ मुंबई से बेंगलुरु की VRL की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 स्लीपर बस में। हालांकि ब्रांड न्यू तो नहीं है, कुछ टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल से उनको डिलीवरी लिए हुए। बीच में आपने खबर भी सुनी होगी कि भाई VRL अपनी बसेस की फ्लीट को ना फुली अपग्रेड करने का सोच रहा था, और उसके तहत इन्होंने 50 नई वॉल्वो 9600 स्लीपर बस का ऑर्डर भी दिया था। उसके अलावा कई सारी आयशर स्लीपर बस का भी ऑर्डर दिया, टाटा मैग्ना स्लीपर बस का भी ऑर्डर दिया, और हाल फिलहाल में पता चला कि सतलुज बिल्ड कुछ बसेस भी उनकी फ्लीट में शामिल हुई हैं। तो भाई VRL ने पूरा जो प्लान है ना ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करने का बना लिया था, और उसके तहत ही पूरी ये फ्लीट अपग्रेड करी जा रही थी। तो सोचा कि क्यों ना भाई VRL की बस सर्विस में एक बार ट्रैवल करा जाए। नाम काफ़ी सुना है, इससे पहले मैंने कभी ट्रैवल नहीं करा था VRL की बस में। तो बेसिकली आज वो दिन आ गया जब हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं VRL की बस में। बस यहाँ से रवाना होगी दिन में 12:30 बजे यहाँ से, यानी मैं भी मौजूद हूँ बोरीवली वेस्ट में गोकुल रेस्टोरेंट पे, जो कि बस का पहला बोर्डिंग पॉइंट रहता है। तो यहाँ से 12:30 बजे रवाना होगी और बेंगलुरु मेरे ख्याल से कल सुबह पहुँचा देगी, 7-7:30 बजे के आसपास तो पहुँचा देगी, मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक कंडीशंस पे। तो मैक्सिमम मान के चलो कि भाई 8 बजे तक कल सुबह हम बेंगलुरु पहुँच जाने वाले हैं। और बाकी बात करें मुंबई शहर की, तो भाई जितनी बात करो उतना ही कम है, क्योंकि इतना शानदार ये शहर है, चलता फिरता शहर है, माया नगरी इसको बोला जाता है, सपनों का शहर इसको बोला जाता है, क्योंकि सपने पूरे करती है भाई लोगों के। और बाकी राम नाम भी अच्छी तरीके से छाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आज है 22 जनवरी राम मंदिर का इनॉग्रेशन। तो जगह जगह व्हीकल्स पे आपको भगवे झंडे दिखाई दे जाएंगे, गाड़ियों पे दिखाई दे जाएंगे, इवन कुछ कुछ लोग तो भंडारा वगैरह भी कर रहे हैं इस उपलक्ष्य में। तो चलिए भाई जय श्री राम बोलते हैं और सफर को करते हैं शुरू। तो बस यहाँ पे आएगी, मैं करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा बेंगलुरु की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ मुंबई से बेंगलुरु की। तो भाई देख लीजिए, फाइनली बस में बोर्ड कर लिया, और एज यूजुअल हर एक वॉल्वो 9600 स्लीपर बस की तरह यहाँ भी मौजूद है 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन, ऊपर भी और नीचे भी। बाकी हर स्लीपर बर्थ पे आपको देखने को मिल जाते हैं विंडो साइड पे कर्टेंस, बाहर भी आपको इधर कर्टेंस देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए। बाकी सामान रखने के लिए छोटा सा रैक देखने को मिल जाता है, ऊपर AC के फ्लोर देखने को मिल जाता है, बर्थ लैंप मौजूद है, रीडिंग लैंप वहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा बैक रेस्ट हेड रेस्ट मौजूद है, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट और फोन होल्डर यहाँ पे मौजूद है, साफ सुथरी बेडशीट यहाँ पे दी गई है, ब्लैंकेट यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी देख लेते हैं, पिलो है नहीं है, पिलो भी है यहाँ बेडशीट के नीचे, आप देखोगे ना यहाँ पे पिलो भी दिए गए हैं। और बाकी एक खास चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी, जितनी भी वॉल्वो 9600 स्लीपर बस आ रही है ना, सब में होल्ड करने के लिए ना इस टाइप की ग्रिप आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस वाली स्लीपर बस में ना अलग से ये ग्रिप दी गई है, ताकि जब आप चढ़ो स्टेज के थ्रू अपर वाली स्लीपर बर्थ पे तो कोई दिक्कत ना हो चढ़ने में। ये देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना जब हम स्टेज से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो होल्ड करने के लिए एक ये यहाँ पे हैंडल मिलता है, ये देखिए ये पूरा हैंडल रहता है, लेकिन ऐसा सच कोई अच्छी खासी ग्रिप देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा एक ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक ये बार दे रखी है, उसके अलावा जब आप सोएंगे ना तो यहाँ पे जो बंदा होगा उसको भी ये सपोर्ट देगा कहीं ना कहीं। और बाकी देखो वॉल्वो की तरफ से ना यहाँ पे बीच में भी एक कर्टेन दिया जाता है डबल स्लीपर बर्थ पे, ताकि अगर दो डिफरेंट पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं तो प्राइवेसी थोड़ी सी मेंटेन हो सके। लेकिन सारी डबल स्लीपर बर्थ मैंने चेक करी, बीच वाला जो कर्टेन है ना वो गायब है सभी स्लीपर बर्थ से। और बाकी वॉल्वो के स्लीपर बस में जब भी मैं बोर्ड करता हूँ ना, एक कमी जो मुझे खलती है, जो मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ तो वॉल्वो की ऐसी लग्जूरियस बस में होना बहुत अनिवार्य है, वो है एक बायो वॉशरूम। क्यों ना भाई एंड में एक बायो टॉयलेट दे दिया जाए तो कितना बढ़िया हो जाए,
खासकर लंबी जर्नीज के लिए, क्योंकि छोटी जर्नी में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लंबी जर्नीज में ना और खासकर फीमेल्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर भाई वॉल्वो 9600 स्लीपर बस में अगर बायो टॉयलेट जैसी सुविधा भी देखने को मिल जाए ना, तो भाई साहब फिर मजे ही आ जाए। हालांकि अभी तक किसी ने वॉल्वो की इस स्लीपर बस में, इस पर्टिकुलर मॉडल में, इस चीज़ का इंटीग्रेशन अपनी बस में नहीं करा है। लेकिन भाई कोई ऑपरेटर अगर देख रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो यार, लंबी जर्नीज के लिए यार एक बायो टॉयलेट तो भाई कंपलसरी है, जो कि वॉल्वो जैसी लग्जोरियस बस में तो होना चाहिए भाई। तो जी टाइम हो गया है 12:25 और अपने एग्जैक्ट टाइम से 5 मिनट पहले ही बस गोकुल रेस्टोरेंट बोरीवली वेस्ट में आ गई थी और बाकी अपने एग्जैक्ट टाइम पे बस यहाँ से निकल भी चुकी है। बाकी इस बार ना मुझे फ्रंट में अपर स्लीपर बर्थ नहीं मिली, जो यूजुअली मैं अपने लिए हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ से ना बस के केबिन में जाना थोड़ा सा आसान होता है, बस में केबिन रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए। लेकिन इस बार मुझे मिली है सेकेंड लास्ट सिंगल अपर स्लीपर बर्थ। चलिए कोई नहीं जी, मैनेज करेंगे, अब आपको बाई हुक एंड क्रूक अच्छा व्लॉग तो दिखाना ही है। बाकी देखो बस के बोर्डिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने बोर्ड करा था बोरीवली वेस्ट गोकुल रेस्टोरेंट से, उसके अलावा बोरीवली ईस्ट में बोर्डिंग पॉइंट रहता है मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, अंधेरी, दादर ईस्ट, खार ईस्ट, सायन, चैम्बोर ईस्ट, वाशी, नेहरुल, उसके बाद पनवेल भी एक बोर्डिंग पॉइंट है। तो ये कई सारे बोर्डिंग पॉइंट है, देख लीजिए। और क्योंकि आज हम ट्रेवल कर रहे हैं VRL बस में, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन VRL ग्रुप के बारे में भी आपको दे देता हूँ। फाउंडेशन इसका करा था विजय शंकेश्वर जी ने 1976 में, और इंडिया की ना वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कंपनी आप VRL को बोल सकते हो, बोल कह सकते हो बेसिकली है। बाकी बात करें टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल, अगर लॉजिस्टिक में बात करें तो करीबन 5600 इनके पास व्हीकल है, जिनको बढ़ा के ये करीबन 7200 करने का टारगेट रख चुके हैं इस साल के अंदर। बाकी बसेस की फ्लीट के बारे में बात करी जाए तो करीबन 1600 बसेस की फ्लीट इनके पास मौजूद है टिल द डेट, और इसके अलावा काफी सारे बसेस के ऑर्डर इन्होंने दिए भी हुए। और आज की बस जर्नी का रूट देख लीजिए, रूट कुछ ऐसा रहने वाला है, मुंबई टू पुणे, सातारा, कराड, कोल्हापुर, बेलगावी, हुबली, धारवाड, हावेरी, राने बेनूर, हरिहर, दावनगरे, चित्रदुर्गा, तुमकुरु और बेंगलुरु। तो इनमें से जिस सिटी से भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताना कि भाई ये सिटी किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, क्या क्या चीज़ खाने की यहाँ पे फेमस है, क्या क्या चीज़ घूमने की फेमस है, कमेंट करके बताओ जरा। और बाकी भाई इधर अपने ड्राइवर साहब मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका और कितने साल हो गए आपको VRL के साथ काम करते हुए? अच्छा 20 साल। और इधर अपने दूसरे ड्राइवर साहब मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी नारायण। आपको कितने साल हो गए VRL के साथ काम करते हुए और ड्राइविंग करते हुए? अच्छा अच्छा। और बाकी देखिए भाई, क्योंकि आज आपको पता है कि भाई आज दिन है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी राम मंदिर के इनॉग्रेशन का, तो देखो ड्राइवर साहब ने ना बस में भी लाइव जो वहां से चल रहा है ना अयोध्या से, उसका प्रोग्राम यहां पे स्पीकर पे चालू करा हुआ है। ड्राइवर साहब ने भाई स्पीकर पे लाइव प्रोग्राम चालू करा हुआ है जो अयोध्या से सीधा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। उसके अलावा भाई रोड पे आप देखोगे, रोड पे लोगों ने स्क्रीन्स लगा रखी हैं, वहां से जो लाइव हो रहा है ना वो यहाँ स्क्रीन पे चलाया जा रहा है। भंडारे जगह जगह किए जा रहे हैं भाई, अलग ही माहौल है पूरे देश में, जगह जगह मैंने देखा है भाई लोगों में इतनी खुशी है, इतना उत्साह है, मैंने आज तक ऐसी खुशी ऐसा उत्साह ना कभी नहीं देखा सच में यार, बहुत ही अलग माहौल है पूरे देश में ना। सपनों की नगरी मुंबई को कहते हैं अलविदा, क्योंकि अभी हम पहुंच गए हैं ओल्ड वाशी ब्रिज पे, जिसको क्रॉस करके हम हो जाएंगे मुंबई से एग्जिट और पहुंच जाएंगे नवी मुंबई। और बाकी देख लो नवी मुंबई के जिस एरिया में अभी हमने एंटर करा है वो है वाशी। तो देख लीजिए वाशी में ही अभी बस रुकी है, मे भी हो सकता है पैसेंजर्स वगैरह का पिकअप हो यहाँ से। तो भाई बस अभी पहुंचने वाली है कलमबोली, जहां से ऑफिशियली हमारी एंट्री हो जाएगी
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। बाकी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बता दूं, 2002 में ये बनके तैयार हो गया था और इंडिया का पहला 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे था। मुंबई से पुणे ये एक्सप्रेसवे करीबन 94.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ कलमबोली से स्टार्ट होता है और एंड होता है रावेत पुणे में। तो भाई जर्नी इस एक्सप्रेसवे पे रहती है काफ़ी खास और नज़ारों से भरी हुई, क्योंकि इसका जो पूरा ये रीज़न है ना, जिस एरिया से होके गुजरता पूरा वेस्टर्न घाट से कवर है, तो जो नज़ारे होते हैं ना इस एक्सप्रेसवे पे काफ़ी शानदार होते हैं। और ये सामने आप जो वॉल्वो 9600 बस देख रहे हो ना, ये है शर्मा ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो 9600, जो कि ऑपरेट होती है यहाँ मुंबई से बेंगलोर के लिए। तो शुरू हो चुकी है इस एक्सप्रेसवे की फर्स्ट टनल, और ऐसी ना कई सारी टनल्स इस एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलती हैं, जो कि इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और देखिए वो सामने आप जितना भी वर्क देख रहे हैं ना फ्लाईओवर और टनल का, वो बेसिकली बनाया जा रहा है खंडाला घाट सेक्शन को बाईपास करने के लिए। इससे डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गई, लेकिन खंडाला घाट सेक्शन में जो मेजर प्रॉब्लम रहती थी ना लैंडस्लाइड की, और खासकर मानसून के टाइम पे, तो वो भी कहीं ना कहीं इन टनल्स के बनने से खत्म हो जाएगी। और नीचे की तरफ आप जो ये एरिया देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है खोपोली। और जी यहाँ हमारी मुलाकात हो गई है मुंबई से पुणे के बीच में ऑपरेट होने वाली MSRTC शिवनेरी वॉल्वो से।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावला हिल स्टेशन, और ये लेफ्ट में जो डाइवर्जन आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से आपको ले जाता है लोनावला के अंदर। बाकी बात करें लोनावला की तो काफी खूबसूरत हिल स्टेशन है, और यहाँ पे और इसके आसपास के एरियाज में काफी ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी मौजूद है, जैसे कि तिकोना फोर्ट, कार्ला केव्स, बूशी डैम, कुछ एडवेंचर पार्क भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा राजमच्छी फोर्ट, कोलीगढ़ फोर्ट, लोनावला लेक, श्रीवर्धन फोर्ट जैसे कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो भाई टाइम हो गया 4:25 और बस ने हॉल्ट लिया है फ्रेश अप होने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए भी बोल सकते हो क्योंकि 20 मिनट के लिए बस रुके, तो 20 मिनट में थोड़ा बहुत खाना पीना तो हो ही सकता है। बाकी पुणे से पहले बस रुकी है, जय का नाम है उससे। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और कुछ खाने का मन करता है तो कुछ खा भी लेते हैं। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है फूड कार्निवल शुद्ध शाकाहारी। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। और बाकी देख लीजिए अंदर से देखने में रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है, और यहाँ मैंने लगवा लिया है एक वड़ा पाव। महाराष्ट्र आए और वड़ा पाव आपने नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया। तो चलिए भाई वड़ा पाव टेस्ट करके देखते हैं। वड़ा पाव अच्छा है और फ्रेश भी है, और सबसे बड़ी बात जो चीज़ों के यहाँ पे रेट है ना वो बिल्कुल नॉमिनल से है। ये वड़ा पाव मुझे पड़ा है 30 रुपये का, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, रेट ठीक है। यहाँ पे चाय भी पी लेते हैं 10 रुपये की ओनली, एक नंबर भाई। नहीं तो रोड साइड पे या फिर हाईवे साइड वाले रेस्टोरेंट पे ना रेट बहुत ज़्यादा रहता है और टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे भाई टेस्ट भी अच्छा है और रेट भी नॉमिनल है। तो चलिए भाई इसको फिनिश करते हैं फिर बाकी बातें करते हैं। और बाकी देखो भाई मैं बाहर बैठ के वड़ा पाव खाता तो ड्राइवर साहब ने देख लिया और बोल दिया कि भाई हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। और सर हो गई नींद पूरी, आप तो सो गए थे ना मेरे ख्याल से। तो चलिए भाई यहाँ पे वड़ा पाव मैंने लगवा ही रखा था, ड्राइवर साहब ने यहाँ पे पकौड़े मंगवाए ना ये। हाँ तो ड्राइवर साहब ने यहाँ पे पकौड़े भी मंगवा लिए हैं, तो चलिए भाई पकौड़े भी टेस्ट करके देखते हैं कि पकौड़े आखिर कैसे हैं। पकौड़े भी अच्छा है, खाना अच्छा है यहाँ पे वैसे ना, और रेट भी कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब हल्का ही कम ही रेट है। और बाकी देख लीजिए डेट, क्योंकि आज है 22 जनवरी, तो यहाँ पे भी सामने तैयारी हो रही है रेस्टोरेंट पे दिए जलाने की रात को। भैया कितने दिए जलाओगे रात को? 121। तो चलिए भाई नाश्ता पानी हो गया, और नाश्ते के साथ ड्राइवर साहब ने यार खाना भी खिला दिया यार। ड्राइवर साहब ने अपने राइस वगैरह मंगाए थे, राइस और दाल, तो वो भी खिला दी। एक चीज़ तो है भाई खाना बहुत बढ़िया बना रखा था यार कसम से, यहाँ पर रेट बहुत नॉमिनल और खाना एक नंबर। बाकी बस का स्टाफ जो है ना यार उनका नेचर काफी अच्छा, बहुत अच्छा नेचर है यार। मैं अलग बैठ के खाते हैं, स्पेशली उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया कि सर हमारे साथ बैठ के खाओ, तो फिर उनके साथ चले गया तो उन्होंने एक दो आइटम एक्स्ट्रा ही खिला दिए। यहाँ तक कि भाई नाश्ते की जगह उन्होंने खाना भी खिला दिया। मैंने काफ़ी मना करा कि भाई रात को फिर खाना नहीं खाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करते करते भाई खिला ही दिया। तो नेचर जो है ना यार बस के स्टाफ का काफ़ी अच्छा, और खाना वो भी लाजवाब। तो चलिए बस में चलते हैं और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो जी हम पहुंच गए हैं रावेत, और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफ़र होता है यहाँ पे समाप्त। वैसे आपको बता दूं यहाँ से आगे का जो सफ़र है ना बेंगलुरु तक, वो हमारा रहने वाला है नेशनल हाईवे 48 से, जो कि कहीं ना कहीं शुरू होता है दिल्ली से और एंड होता है चेन्नई में जाके। तो पूरा जो सफ़र है ना बेंगलोर तक वो NH 48 के थ्रू ही रहने वाला है। देख लो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, ये पुणे सिटी की बाउंड्री है, और हम चल रहे हैं कहीं यहाँ पे, ये देखो बालेवाड़ी करके कुछ तो जगह है यार, कंफर्म नहीं हूँ बट मे बी शायद बालेवाड़ी है। हाँ बालेवाड़ी स्टेडियम स्विमिंग पूल, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई पुणे में अभी जस्ट हमने एंट्री करी है और लोकेशन जो है वो आपके सामने ही है, देख लो भाई। और पुणे में बोर्डिंग पॉइंट्स की बात करें तो देख लीजिए ये कुछ बोर्डिंग पॉइंट्स रहते हैं पुणे में, जैसे कि हिंजेवाड़ी, कातराज, उसके बाद स्वार गेट नियर मित्रा मंडल चौक, के बाद वडगांव ब्रिज, तो ये कुछ बोर्डिंग पॉइंट है पुणे में बेसिकली। तो टाइम हो गया है 6:00 और बस पहुंच चुकी है वडगांव बुजरुक। और जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि भाई स्वार गेट भी इस बस का एक बोर्डिंग पॉइंट रहता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ वडगांव बुजरुक में ही ना एक VRL का एक छोटा सा ऑफिस बना है, तो
तो स्वारगेट जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, और वहाँ तक बस को लेके जाना और वहाँ से वापस लाना शाम के टाइम ट्रैफिक में कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है। इसलिए वहाँ से ना एक पिकअप वैन रहती है जो पैसेंजर्स को यहाँ वड़गांव बुद्रुक में छोड़ती है इस VRL ट्रैवल के ऑफिस पे, और यहाँ से वो पैसेंजर फिर बस में बोर्ड कर जाते हैं। इस वजह से बस जो है ना जाम में फंसने से बच जाती है और सीधा NH 48 से होते हुए पुणे से एग्जिट ले लेती है। बाकी देखिए अभी हम पहुंच गए हैं पुणे के एंड पॉइंट पे, जहां से हम पुणे सिटी से एग्जिट हो जाएंगे, और बाकी नज़ारे देखिए यार यहां से शहर के कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं, और आगे नज़ारे ना और भी ज़्यादा शानदार होने वाले हैं, क्योंकि कोल्हापुर तक का जो पूरा पैच है ना भाई साहब काफ़ी खूबसूरत है। ऑलरेडी पुणे से कोल्हापुर की मैंने जर्नी करी थी लास्ट ईयर, काफ़ी शानदार जर्नी थी। और देखो भाई सनसेट हो चुका है, और सनसेट होने के बाद ये जो पूरा ऑरेंजिश कलर पूरे स्काई में स्प्रेड हो गया ना, देखो यार कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो भाई टाइम हुआ है रात के 7:50 और बस पहुंच चुकी है सातारा। और बाकी सातारा के बारे में आपको बता दूं, सातारा अपने कंदी पेड़ा के लिए काफ़ी फेमस है। बाकी अगर आप में से कोई सातारा से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताओ, और बाकी यही सातारा से कुछ दूरी के बाद ही बस रुकेगी खाने के लिए। तो भाई टाइम हो रहा है 8:50 और करीबन ना 8:20 पे बस ने हॉल्ट लिया था डिनर के लिए। जगह है सतारा और रेस्टोरेंट का नाम है नवमी फैमिली रेस्टोरेंट। खाना खा के मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, बस के स्टाफ ने इनवाइट करा और बोला कि भाई हमारे साथ खाना खाओ, तो जस्ट उनके साथ बैठ के अंदर खाना खा रहा था, और अभी खाना खा के आया हूँ तब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी यार बस का स्टाफ ना सच में बहुत पोलाइट है VRL का, और वो इस चीज़ से आप समझ सकते हो जैसे ही बस रेस्ट स्टॉप पे आके रुकी ना, तो उन्होंने सब पैसेंजर्स को बोल दिया कि भाई या तो आप बस में से उतर जाइए नहीं तो हम बस को बंद कर देंगे, ताकि कोई भी अननोन पैसेंजर बस में ना चढ़े, क्योंकि आपको पता है कि जर्नी के दौरान सामान के मिस हैपनिंग होने के चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। कोई अननोन बस में चढ़ जाता तो कभी कभार पता नहीं चलता, तो इस वजह से उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई बस हम लॉक कर दे रहे हैं, आप चाहे आप बस में बैठो या फिर बाहर आके खाना खा लो। यूजुअली नहीं तो क्या होता है ना कि बस के जो ड्राइवर वगैरह होते हैं ना वो बोलते हैं कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी खुद ले ली और बोला कि भाई बस हम लॉक कर रहे हैं, अब आप चाहे अंदर बैठो चाहे खाना खा लो। तो भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और बाकी बात करें खाने की, तो रेस्टोरेंट पर खाना ठीक था, एवरेज था। जहाँ पे बस शाम को रुकी थी ना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे खाना काफ़ी कमाल था, लेकिन यहाँ पे भी ठीक था, ओके था। और बाकी वॉशरूम की कंडीशन भी यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ऊपर मान सकते हो। तो चलिए भाई बस स्टार्ट हो चुकी है, बस में बैठते हैं और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। तो भाई बस ने क्रॉस कर लिया है कराट, टाइम हो गया है 9:50 और अब मुझे ना नींद आने लगी है। हालांकि नींद तो मुझे खाना खाने के बाद ही आने लगी थी, और बाकी टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया सोने का, और करीबन ना 1.5 से 2 घंटे के
बाद मेरे ख्याल से हम कर्नाटक के बॉर्डर में भी एंट्री कर लेंगे। तो चलो फिलहाल तो अभी मुझे नींद आ रही है, तो अभी मैं सोता हूँ और जहाँ पे भी मेरी नींद खुलती है वहाँ पे अब आपको सीधा अपडेट देता हूँ। तो जी टाइम हुआ है 11:15 और फाइनली महाराष्ट्र क्रॉस करके बस एंटर कर चुकी है कर्नाटका के बॉर्डर में। ये आप जो टोल प्लाजा देख रहे हो ना, ये कर्नाटका का पहला टोल प्लाजा है। महाराष्ट्र में एक जगह थी कगल नाम की, उसको क्रॉस करते ही ना जस्ट हमने कर्नाटका के बॉर्डर में एंट्री कर ली है। तो स्वागत है आप सभी का कर्नाटका में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्रदुर्गा। अभी नींद खुली तो सोचा कि एक बार आपको अपडेट दे देते हैं। और बाकी रात को नींद काफ़ी बढ़िया आई, हालांकि मेरी सेकंड लास्ट स्लीपर बर्थ है, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। अगर कोई नॉर्मल बस होती ना तो जरूर पता चलता, क्योंकि बीच बीच में ना रास्ते में कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं चला, क्योंकि सस्पेंशन वॉल्वो का इस तरीके का होता है कि भाई सफ़र जो है ना काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है। और बाकी बात करें चित्रदुर्गा की, तो चित्रदुर्गा फेमस है अपने बोल्ड रॉक हिल्स के लिए, यानी कि जो हिल्स है ना वो बड़े बड़े बोल्डर्स की फॉर्म में रहती है। और उसके अलावा चित्रदुर्गा अपने फोर्ट के लिए भी फेमस है काफ़ी। बाकी बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर और बचता है। तो जी चित्रदुर्गा में ये भी बस ने हॉल्ट ले लिया है डीजल फिलअप के लिए। अच्छा ड्राइवर साहब एक बात बताइए, पूरी जर्नी में इस बस में कितने लीटर डीजल डल जाता है? 500 लीटर। अच्छा अप एंड डाउन का, और माइलेज कितनी दे देती है? अच्छा। और बाकी अभी जो एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा एक तरीके से VRL का हब बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, कैंटीन है, उसके अलावा ये VRL का खुद का पंप भी यहाँ पे मौजूद है। तो जस्ट अभी यहीं बस रुकी है डीजल फिलअप के लिए, देख लीजिए। तो देख लीजिए ये है पूरा हब जो मैं आपको बता था ना, काफी बड़ा एरिया है यार। यहाँ पे मेरे ख्याल से VRL का लॉजिस्टिक सेंटर भी बना हुआ है, देखिए उधर भी एक VRL की बस खड़ी हुई है, इधर वॉशरूम मौजूद है, और बाकी वॉशरूम तो यार काफी नीट एंड क्लीन। और अभी बस भी देख लीजिए यहाँ वॉशरूम के जस्ट पास में आके रुक गई है। बाकी सच में यार काफी बड़ा हब है, एक बस टर्मिनल लग रहा है पूरा ना, ये देखिए, ये देखिए दूसरी VRL की बस भी आ गई यहाँ पे, VRL की B11R वॉल्वो। वही टाइम देख लो, 7:05 होने को है और बस पहुंच चुकी है हेदियोर। वाओ मैन वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। तो कमेंट करके बताइए कि आपने कभी ऐसा सनराइज देखा है या नहीं, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत सनराइज आपने देखे हो, बीच पे सनराइज होता हुआ देखा हो या फिर माउंटेन में होता हुआ सनराइज देखा हो, लेकिन इस सनराइज की बात अलग है। चारों तरफ कोकोनट ट्रीज है और बीच में से राइज होता हुआ ये सन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने एक पेंटिंग तैयार कर दी है। टाइम हो गया है 8:10 और बस पहुंच चुकी है तुमकुरू।
और तुमकुरु के बारे में आपको बता दूं कि तुमकुरु को लैंड ऑफ कोकोनट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोकोनट की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा तुमकुरु को ना हेलीकॉप्टर सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ मौजूद है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और आपको बता दूं कि ये जो HAL की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, ये पूरे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और बस ने भी क्रॉस करा है नेलमंगला टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा क्रॉस करते ही ना जस्ट हमारी एंट्री हो गई है बेंगलोर में। और बाकी देख लीजिए, ये कुछ ड्रॉपिंग पॉइंट रहते हैं बेंगलोर में, और जब आप बेंगलोर से मुंबई की जर्नी करते हो तो ये आपके बोर्डिंग पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि नेलमंगला, नेलमंगला पालेजी टोल, उसके अलावा गुरुगंटे पालिया, यशवंतपुर, राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन और आनंद राव सर्कल। तो जी लगभग 1000 किलोमीटर और 22 घंटे की जर्नी करके मैं पहुंच गया हूं बेंगलोर। तो स्वागत है आप सभी का बेंगलोर में। वैसे मैं अभी मौजूद हूं आनंद राव सर्कल के पास में मौजूद हूं। आनंद राव सर्कल यहां से नज़दीक ही है। बाकी बात करें बस जर्नी की, तो बस जर्नी काफ़ी बढ़िया थी, बस का स्टाफ काफ़ी बढ़िया था, रेस्ट ऑफ अच्छे थे, एमिनिटीज़ अच्छी दी गई थी। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यार इतना महंगा फेयर बस वाले लेते हैं और उसमें एक वाटर बॉटल भी प्रोवाइड नहीं करवाते, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बस टिकट के बारे में आपको बता दूं, बस की टिकट मैंने बुक करी थी 1900 रुपीज़ में फॉर सिंगल स्लीपर, और वो भी मैंने एंड मोमेंट में बुक करी थी, इसलिए मुझे 1900 के आसपास पड़ गई थी। अदरवाइज़ जो रेट है मैंने देखा 2300-2500 तक भी चले आते हैं, तो आप इतना महंगा चार्ज हम लोगों से ले रहे हैं तो एटलीस्ट यार एक वाटर बॉटल तो प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई 10 रुपए की पानी की बॉटल हम खरीद के नहीं पी सकते हैं, लेकिन यार एक बेसिक एमिनिटी होती है जो कि इस टिकट फेयर में तो यार एटलीस्ट प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बाकी और सारी एमिनिटीज अच्छी थी, जैसे कि बेडशीट साफ सुथरी थी, ब्लैंकेट साफ सुथरे थे, बस भी अच्छे से मेंटेन थी और नीट और क्लीन थी। और बाकी जर्नी तो मैंने आपको दिखाई दी कि क्या शानदार जर्नी थी। हाँ, बस के स्टाफ के बारे में बोलना चाहूंगा कि भाई बस का स्टाफ लाजवाब, कसम से यार बस का स्टाफ बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल और बहुत अच्छा था यार। चलिए इस नोट पे इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, क्योंकि जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो ब्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। उस ब्लॉग को करते हैं यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली यार नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।